रेडी फॉर द ट्रिप। आज हम दोनों जा रहे हैं वज्रेश्वरी टेम्पल एंड इवन टुंगरेश्वर फॉरेस्ट विच इज इन बसई। और थोड़े से इसको रख के बताएंगे, हम लोगों को समझ में आएगा जोर से। हाँ, सो आज हम लोग जा रहे हैं टुंगरेश्वर फॉरेस्ट एंड वज्रेश्वरी टेम्पल विच इज इन बसई। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर का बाइक राइड है। सो मैं, मेरी बीवी और माई डॉटर, ऑल थ्री ऑफ अस आर गोइंग देयर। यस, ऑलराइट, सी या। चलो, वन आवर राइड के बाद अब हम लंच ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं और ये है हमारी डेस्टिनेशन मैकडी। यहाँ पे थोड़ी बहुत रेस्ट लेंगे, थोड़ा लंच खाएंगे एंड आगे के सफर के लिए निकल पड़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, वैसे इसे बहुत नजदीक। अगर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग को जाना है अगर टुंगरेश्वर, तो वो यहाँ पड़ता है ऑलमोस्ट। देखो ये टेंपल टुंगरेश्वर, तो यहाँ से 44 मिनट का रास्ता। लोग पहुंच गए टुंगरेश्वर महादेव देवस्थान। यहां से लगभग 2 किलोमीटर के बाद में आपको ऐसे पथरीला रास्ता शुरू होगा। बहुत ही हरा भरा एनवायरनमेंट, बहुत ही शानदार माहौल है यहाँ का। एक पॉइंट के बाद में आप बाइक लेके नहीं जा पाओगे बिकॉज रास्ता बहुत पथरीला है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से एक ऑटो हायर करेंगे बिकॉज इसके आगे जाने के लिए या तो आपको चाहिए 4x4 ड्राइव या फिर एक एडवेंचर बाइक। बहुत ही सही डिसीजन था हमारा कि हमने ये ऑटो हायर किया मंदिर तक जाने के लिए, क्योंकि ये लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है पूरा पत्थरों से भरा हुआ। यहाँ पर फॉरेस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको मिलेंगे। ये जगह बहुत ही सेफ है फॉर फैमिली एंड फॉर एवरीबडी। एक 48 रुपीज़ का टिकट काटना होता है आपको यहाँ पर से, उसके बाद आप और आगे बढ़ सकते हो। ये भी पार करेंगे आप अभी? अरे बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे, अरे बाबा रे, ये ऑटो का ट्रैवलिंग तो अच्छा हो गया। तुम दिल सोने पर गिर गया दंतनी। और एक शानदार राइड के बाद हम पहुंच गए श्री टुंगरेश्वर महादेव मंदिर। इतना शांत वातावरण, इतना ताज़ा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बम्बई में हो। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको यहाँ पे जाना है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर सुबह चले जाइए और पूरा दिन
इस वातावरण में गुजारिए, आपको इतना ताज़ा महसूस होगा, जो आपके दिमाग में स्ट्रेस है वो सब चला जाएगा। ये है त्रिंगेश्वर मन टेम्पल, ये है शिव भगवान जी का और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। रियली में मेरा मन तो यहाँ पे बस गया है, तो आप लोगों को घूम के दिखाती हूँ। पहुंच गए हम श्री टुंगरेश्वर मंदिर। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, इतना शांत, आपके मन में एक अलग खुशी की लहर दौड़ेगी जब आप यहां पहुंचोगे, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम बहुत खुशनसीब हैं कि टुंगरेश्वर महाराज जी ने हमें अपने दर्शन करने का अवसर दिया। इस मंदिर के अंदर बगल में एक छोटा सा मंदिर है श्री काल भैरव जी का, दर्शन करना ना भूले। आ जाओ अंदर चलो। पर भगवान जी मंदिर के बगल से बहती है एक पानी की शीतल धारा। पानी बहुत ही साफ सुथरा है और गहरा नहीं। आप देख सकते हो किस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है मंदिर के बिल्कुल बगल से। बारिश के समय यहाँ पर बहुत पानी भरता है, बारिश के समय आपको यहाँ पर बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। टुंगरेश्वर बाबा के मंदिर के दर्शन के बाद माता का दर्शन करना ना भूलें। बिल्कुल बगल में थोड़ी सीढ़ियां चढ़ के आपको माता के दर्शन करने का अवसर मिलेगा।
ये प्लेस में टूरिस्ट आकर रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। ब्यूटीफुल नेचर है, ब्यूटीफुल नेचर। ये जगह इतनी पावन है कि आपको यहाँ पर बैठ के ध्यान करने का मन करेगा। ओम जय माँ दुर्गा। इधर 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 जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। हाँ चलो। ध्यान लगाने के बाद कुछ ही दूर हम पहुंच गए जगमाता मंदिर टुंगरेश्वर। बस कुछ सीढ़ियां चढ़ के आपको इस मंदिर में आने का अवसर मिलेगा। प्रार्थना कीजिए दिल से, जो आपको चाहिए माता को बोल दीजिए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितना ब्यूटीफुल है, वाव कितना ब्यूटीफुल है। ये झरना है जो सूख गया है देवी जी की मंदिर। मंदिर से उतरते वक्त ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं जो आपके हाथ में प्रसाद देखकर छीनने के लिए आ जाएंगे। शांत रहिए और उन्हें खाने के लिए दे दीजिए। वो कुछ नहीं करते, वो बस भूखे हैं तो इसलिए वो आपके पास आते हैं। मैंने तो ये माँ और बेटी को खाना खिलाया था, देखिए किस तरीके से खा रहे हैं ये, कितने भूखे। और अब आपको दिखाऊंगा एकदम अद्भुत नज़ारा, बंदरों का स्विमिंग पूल। देखो किस तरीके से पानी के मज़े ले रहे हैं ये बंदर। इतनी गर्मी है और पानी इतना ताज़ा कि ये लोग खुद को रोक ही नहीं पा रहे। हर एक बंदर यहाँ पर पानी में डुबकी लगा जाता है और दूसरे को अंदर खींच लेता है। और फिर समय हो गया था घर जाने का। हमारे ऑटो वाले भाई हमें पिकअप करने के लिए फिर से आ गए। धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे अपनी बाइक की तरफ। बहुत खुश था मन यहाँ पर आके, इतना सुंदर माहौल और इतनी ताजगी। और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम बम्बई सिटी के अंदर हैं या फिर बम्बई से कुछ 50 किलोमीटर दूर हैं वसई में। ये टुंगरेश्वर फॉरेस्ट लाजवाब है, अगर आपको मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर जाइए। अक्टूबर महीना यहाँ पर तो ये पानी की धाराएं भी आपको दिखेंगी, तो ये बहुत ही सही टाइम है जाने का यहाँ पर। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को यहाँ पर लेके जाइए और टुंगरेश्वर बाबा जी के दर्शन कीजिए और ज़िंदगी को सफल बनाइए।